अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू सेट एट बॉक्स। माय नेम इज़ अलीना रफीक एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। द टॉपिक फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इज नो योर कंप्यूटर। यस, रिपीट विद मी, नो योर कंप्यूटर। ओके, सो दिस इज लेसन नंबर 1। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी हैव एक्टिवेटिंग टास्क। What you have to do is take an A4 size paper, look around yourself and write at least 5 to 10 names of machine you see. आपको क्या करना है, आपको एक A4 size paper लेना है और अपनी इर्द गिर्द देखना है, कोई भी 5 से 10 जो है मशीन के नेम लिखना है जो आपको अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं, ठीक है? जल्दी से करके दिखाया भी है मुझे। वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट मशीन, कि मशीन क्या होती है। सबसे पहले हम मशीन के बारे में पढ़ेंगे, मशीन होती क्या चीज़ है। सो मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स दैट मेक आवर वर्क ईजी। मशीन जो है वो मैन मेड थिंग है, यानी इंसानों ने बनाई है, और उससे क्या होता है, इससे हमारा काम ईजी होता है। मशीन हेल्प करती है हमारा काम जल्दी करने में, ईजी करती है, ठीक है? और ये कुछ मशीन्स के नेम हमारी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। टोस्टर है, जिसमें सीजर है, वॉशिंग मशीन, कार, स्विंग मशीन, फ्रिज, और वी कैन से रेफ्रिजरेटर, आयरन और फैन। ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप फेमिलियर भी होंगे, इनसे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे सीजर से होंगे, आयरन से, फैन से, फ्रिज से, ये सारी चीज़ें सबके घर में मौजूद होती हैं। तो ये मशीन्स हैं, और भी मशीन्स होती हैं बहुत सारी। तो ये हमारा क्या काम करती है, हमारा काम जो है ये ईजी करती है, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव कंप्यूटर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर भी हमारी मशीन है या नहीं? यस, कंप्यूटर भी मशीन है। और ये बताइए कि कंप्यूटर किसने बनाया, कंप्यूटर मैन मेड थिंग है और नेचुरल है? वेरी गुड, एक्सेलेंट, कंप्यूटर मैन मेड थिंग है। ओके, तो कंप्यूटर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर प्लेइंग, कंप्यूटर जो है वो खेलने के लिए यूज होता है, टाइपिंग, टाइपिंग करने के लिए, लिसन म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, ड्राॅइंग एंड मैनी अदर थिंग्स। कंप्यूटर जो है हमारे पर बहुत सारी मल्टी टास्क करे कंप्यूटर, सही है? उसमें हम गेम्स भी खेल सकते हैं, हम टाइपिंग भी करते हैं, हम म्यूजिक भी सुनते हैं, हम वीडियो भी देख सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके आगे से फिर लिखा हुआ है, सिंस कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी डिफरेंट टास्क टुगेदर, इट इज कॉल्ड स्मार्ट मशीन। तो जब बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकता है तो हम इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे स्मार्ट मशीन, यानी कंप्यूटर जो है वो हमारी स्मार्ट मशीन भी है। ये हमारे पास आपको पिक्चर्स भी दिख रही होंगी कि हम ये टास्क जो है कंप्यूटर पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि क्या कंप्यूटर की खासियत है, ठीक है? तो वो हम देखते हैं। कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रन, यस, कंप्यूटर हम इलेक्ट्रिसिटी से लगाते हैं ना, हम पहले उसका कंप्यूटर का वायर जो है वो स्विच बोर्ड में लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है कंप्यूटर, ठीक है? इट नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड, यस, कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता और बोर भी नहीं होता। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत जल्दी काम करता है। ओके, इट डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती, एंड इट गिव्स करेक्ट रिजल्ट, और कंप्यूटर हमें बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट आंसर देता है। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर। तो जरा इस चीज को देखते हैं कि ह्यूमन से कंप्यूटर किस तरह डिफरेंट है। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है स्टोरेज, इट आई फॉरगॉट इजीली। तो ह्यूमन कह रहा है कि आई फॉरगॉट इजीली, मैं जल्दी भूल जाता हूँ, और कंप्यूटर कह रहा है नेवर फॉरगॉट, वो और कंप्यूटर कभी भी नहीं भूलता। तो ये बात बिल्कुल सही है, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे माइंड में तो हम थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स जो है वो भूलने लग जाते हैं, और कंप्यूटर जो है उसकी मेमोरी जितनी भी फिल कर लें उसके में कंप्यूटर जो है वो कुछ भी नहीं भूलता। अच्छा, अब आते हैं एक्यूरेसी, सेकेंड पॉइंट हमारा एक्यूरेसी।
आई कैन मेक मिस्टेक्स, कंप्यूटर ह्यूमन कह रहा है कि मैं जो है गलतियाँ कर लेता हूँ। सही बात है, जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड से कभी कोई नंबर स्किप हो सकता है, या हम कोई पॉइंट अगर हमारे पास बहुत बड़ा आंसर आया है तो हम क्या करते हैं, हम उसको याद नहीं रख पाते, या हम जो उस आंसर को अगर पॉइंट में आया जैसे 0.3 आया तो हमने पॉइंट रिमूव हो गया हमसे, तो ये हम थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर लेते हैं। कंप्यूटर का कह रहा है नेवर मेक मिस्टेक्स, कंप्यूटर कह रहा है कि मैं कभी भी मिस्टेक नहीं करता, जो कि बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम, तो ह्यूमन कह रहा है आई नीड मोर टाइम टू वर्क द टू कम्प्लीट द वर्क, ह्यूमन कह रहा है कि मुझे बहुत थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है काम कम्प्लीट करने के लिए। और ह्यूमन कंप्यूटर सेट आई वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी काम करता हूँ, जो कि बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर पे हम जल्दी जल्दी से टाइपिंग कर लेते, अगर हम वही चीज़ हम हाथ से लिखें तो थोड़ा हमें टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, वर्क प्रोसेस, आई गेट टायर्ड इजिली, आई नीड रेस्ट आफ्टर वर्किंग, हम कंप्यूटर ह्यूमन कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा थक जाते हैं काम करने में और हमें जो है थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो बिल्कुल ठीक है, हम रेस्ट थक जाते हैं तो फिर हम अपना रेस्ट मांगते हैं थोड़ा सा, फिर सो जाते हैं हम थोड़े टाइम के लिए। वाइल कंप्यूटर इज सेइंग आई नेवर गेट टायर्ड, आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट नीड रेस्ट, कंप्यूटर कह रहा है मैं टायर्ड नहीं होता, मुझे रेस्ट नहीं चाहिए, मैं बहुत देर तक काम आराम से कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता। डिसीजन, आई मेक माई ओन डिसीजन्स, हम जो है ह्यूमन जो है वो अपने डिसीजन्स खुद बना सकते हैं, जैसे आज मुझे क्या पढ़ना है वो मैं खुद डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, जैसे आपने कहा कि आज जो है मैं कंप्यूटर और आज मैं मैथ्स पढ़ूंगी, तो ये हमारा डिसीजन है, ठीक है। इसी तरह आई कैन नॉट टेक डिसीजन, कंप्यूटर कह रहा है कि हम मैं जो है डिसीजन नहीं ले सकता, जो कि बात है, सही बात है। अब कंप्यूटर खुद तो अपने आप ओपन होके तो नहीं काम करना शुरू कर देता, जैसे कोई ऑपरेट करते ना, जैसे आप या मैं हम ऑपरेट करते ना कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर खुद डिसीजन नहीं कर सकता। फीलिंग्स, ह्यूमन कह रहा है आई हैव फीलिंग्स, मेरे पास फीलिंग्स होती हैं, जो सही बात है, अगर हमारे हाथ पे कट लग जाता है या हम गिर जाते हैं तो हमें दर्द होता है, हमें फील होता है पेन, कंप्यूटर अगर गिर जाए तो उसे फील तो नहीं होता, वो तो नहीं रोता, तो कंप्यूटर के पास फीलिंग्स नहीं होती हैं। सो दिस इज़ आर टॉपिक, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, एंड वॉट इज़ कंप्यूटर, और मशीन्स क्या होती हैं, एंड हु मेड द मशीन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।